जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं वो लोगों को उखाड़ फेंकना हम लोगों को। बीजेपी का सत्ता को उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे। ईडी का सीबीआई का वो ध्वज दिखा के वो अपने पार्टी में लेके आ रहे हैं और उनको अपना वॉशिंग मशीन में उनको धो के साफ करने का काम करे। ये देश का, ये मोदी जी का घिनौना फंडा जो है ना इस देश में चल रहा है। अभी भाई साहब बोल रहे थे एक भाई कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक प्रभात तारा मैदान में आज इंडिया गठबंधन के द्वारा उलगुलान न्याय रैली आयोजित की गई थी। आप देखिए, इसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग शामिल होने के लिए राज्य के अलग अलग जिलों से पहुंचे थे। अब यहां पहुंचे नेताओं को सुनकर जो लोग बाहर से आए थे वो लौट रहे हैं। ऐसे में हम जो लोग यहाँ पर आए थे उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे समझेंगे कहाँ से आए थे। क्या नाम है श्रीमान? नूर गनी अंसारी। कहाँ से आए हैं? गढ़वा से आए। गढ़वा से आए। क्या कुछ सुना नेताओं की बातों को और क्या समझ के जा रहे हैं यहाँ? बहुत अच्छा बात इन लोगों ने कहे। क्या कहा, क्या समझ में आया, क्यों आए थे, क्या समझे और कहाँ जा रहे हैं? कि हम लोग को एकता बना करके हम लोगों को फुल छाप को भारतीय जनता पार्टी को हराना है और झारखंड को बचाना है, एकता गठबंधन को बचाना है। रहा है बीजेपी का सारा जो है गुंडागर्दी इसमें है, उस सरकार को यहाँ से जल्द हटाना है और हमें झारखंड को हम लोग को बचाना है। जो भी नेता लोग कहे बहुत अच्छी बात और उचित बात बोले। तो मतलब लग रहा है कि कुछ दिन में अब बर्बाद हो जाएगा देश? बस एकदम हाँ, बीजेपी के राज रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। हम लोग को बचाना है उससे, झारखंड मजबूत रहे। आने वाला अभी चुनाव हो रहा है ना लोकसभा के, उसमें हम लोग को जो है बचाना है, बीजेपी को हटाना है। बीजेपी को हटा देंगे तो संविधान बच जाएगा, देश बच जाएगा। क्या नाम है? शेखर माता। शेखर जी, क्या लग रहा है कि संविधान खतरे में है? खतरे में है। कैसे खतरे में? यहाँ जिस तरह से बीजेपी कर रही है कि निर्दोष आदमी को डाल रही है, यार बीजेपी में क्या नेता सबका पास पैसा नहीं है क्या, या वो सब अथी काम गलत काम नहीं करते हैं क्या? यहाँ जो निर्दोष है उसको डाल रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप है, कानून है, न्यायालय है, न्यायालय में जा करके अपनी बात रखेंगे, अगर नहीं बेगुनाह होंगे तो बच जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो और नेता में है, बीजेपी में नहीं भ्रष्टाचार क्या? मतलब वो करे तो ठीक है, हम भी करें, सब बराबर करना चाहिए। जी, जब कानून सबके लिए बराबर है तो सिर्फ मैंने ये केजरीवाल और हेमंत सोरेन को ही खाली। आप लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे नेता को डाले तो आप अपने नेता को भी डालिए जेल में? ये तो हम लोग कह ही रहे, आवाज नहीं उठाएंगे हम लोग तो, आवाज उठाइए रहे हम लोग को वोट में अभी दिखा देंगे। अभी तो भ्रष्टाचारी को तो ले लिए वो अपने पास, अपने पार्टी में ले लिए सब भ्रष्टाचारी को। मतलब वहाँ जाकर तो सब धुल जाता है? हाँ, वो सब सिर्फ डरवा करके अपना में खींचना चाहते हैं। हाँ, ईडी सीडी बैठा के जांच करवा के डरवा करके अपना में लाना चाहता है सर। लगता है कि हेमंत सोरेन जी नहीं डरे इसीलिए जेल में दे दिए? हाँ हाँ हाँ, आपको ऐसा ही लगता? ऐसा ही, चल जाते तो बच जाते। चल जाते तो बच। हाँ, मतलब नहीं गए इसलिए जेल चल गए। भेजने के लिए जो है ना, भेजने के लिए बहुत छोटा प्रक्रिया है। अभी आपके आप पर हम आरोप लगा दें कि मेरा आप जो है पॉकेट मार लिए, ठीक है, केस हो गया, आप चले गए। न्यायालय में जो है प्रक्रिया के तहत जो है सब चीज होता है, बेल होता है, सजा होता है, सब होता है, चार्जशीट पर ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि भाजपा वही काम कर रही है कि आरोप लगा दे रही है और ढकेल दे रही है न्यायालय में। तो न्यायालय में भैया, न्यायालय में तो हर साक्ष को जो है देखते हुए उसमें तो समय लगता है, तो समय लगता है तो इससे ये साबित नहीं है कि केजरीवाल चोर है या हेमंत सोरेन जो है चोर है, आरोपी है, ये नहीं साबित होता है। जब तक साबित होगा, ठीक है, तब तक जो है, अरे ऐसा भी हुआ है, आप तो खुद जो है मीडिया के साथ ही आप जानते हैं कि एक एक आदमी 20-20 साल का जो है ना सजा काटा है, लेकिन बाइज्जत बरी किया गया है 20 साल के बाद। ये हमारी कानूनी जो है ना प्रक्रिया है, तो इससे ये आप नहीं साबित कर सकते हैं। आसान करने की कोशिश, सुन लीजिए मेरी बात, जो भाजपा में चला गया वो वॉशिंग मशीन में धुल गया भाजपा के, ठीक है, जो भाजपा में जाने से इनकार किया वो जो है सलाखों के पीछे चला गया। ये देश का, ये मोदी जी का घिनौना फंडा जो है ना इस देश में चल रहा है। अभी भाई साहब बोल रहे थे एक भाई कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। तो भैया, संविधान को तार तार किया जा रहा है, देश खंड खंड हो रहा है, जाति में, बिरादरी में, धर्म में देश को जो है बांट दिया गया है। आप लोग चाहेंगे वोट दे करके बदलाव करें? अरे भैया, पूरी जनता उमड़ चुकी है,
अभी 102 सीट 102 सीट पर जो चुनाव हुआ, प्रथम जो है इसका जो चरण का जो चुनाव हुआ, आपको मैं ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसका इंडिया गठबंधन का जो है, हम देखिए फेकू नहीं है मोदी जैसा, हम सत्य बता रहे हैं और आप इसको लिख लीजिए कलम कॉपी में और रिकॉर्ड रखिएगा भाई साहब, ठीक है, 69 सीट 79 इंडिया गठबंधन का आ रहा है, बाकी जो है मोदी गठबंधन में जो है जा रहा है, ठीक है, पहले चरण का है ना? ये पहले चरण में पहले ही चित हो गए मोदी जी। मोदी जी का कल आप भाषण सुन रहे थे, मोदी जी भाषण दे रहे थे, मित्रों चाहे किसी भी दल के हो कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी प्रत्याशी के हो, मेहनत से जो है जी जान लगा के बूथ पर जो है बूथ पर काम कीजिए, ठीक है, अरे आज नहीं तो कल जीतेंगे, ये मालूम है इशारा कहाँ था? इशारा को समझिए कि मोदी जी को जो है आरएसएस जो कंधा में हाथ डाल करके गलबहिया करके जो वोट दिलवाते थे, आरएसएस भी पल्ला झाड़ रहा है इनके जो है गलत नीति से, ठीक है, मतलब ये है कि अब आगे वो हार जाएंगे और सत्ता से बेदखल हो, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना कि 150 सीट, ये बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि 150 सीट भी आएगा। राहुल जी को जितवाएंगे, राहुल जी को मोदी जी को क्यों नहीं जितवाएंगे? इसको नहीं जितवाएंगे क्यों, क्या हो गया मोदी जी, ऐसा क्या कर, भ्रष्टाचार है बहुत, महंगाई भी बढ़ गया है, अच्छा महंगाई बढ़ गई इस वजह से, एक सच बोलने से आप लोग डरिए मत, एक दिन देश आजाद हुआ था, आज आजाद है, और ये लोग जो लोग हैं जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं, वो लोगों को उखाड़ फेंकना हम लोगों को, कि हेमंत सोरेन को बेवजह से फंसाया जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी को एक हार का भनक लग चुका है कि झारखंड में हमारा चलने वाला है नहीं, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। लगता है कि वोट से इस बार मोदी जी को बदल देंगे? मोदी जी को बदले या ना बदले, लेकिन झारखंड की हम लोग रक्षा के लिए हम लोग एनी टाइम तत्पर है, और हम चाहेंगे कि यहाँ से ज़्यादा हम लोग सांसद बनाकर भेजेंगे हम लोग। आज जैसा कि आप सभी ने सुना, आप मीडिया वाले भी सुने, यहाँ पर पूरे इंडिया गठबंधन के विभिन्न प्रदेश का हमारा वरिष्ठ नेता लोगों का यहाँ पर जमावड़ा हुआ है, और सभी ने एक स्वर में कहा कि बीते 10 सालों में बीजेपी का जो नीति और नियम रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारा देश को फिर से गुलामी का मानसिकता गुलामी को ले जाने का इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, और इसी षड्यंत्र को सिलसिलेवार हमारा जितने भी यहाँ नेता आए हैं लोगों को बताने का काम किया है, और यहाँ पर जितने भी आदमी आए, हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो शहरी क्षेत्र हो, हम लोग यहीं पर एक संकल्प ले रहे हैं कि हमारा जो आक्रोश है, हमारा जो एक कमल का प्रति बीजेपी का प्रति जो आक्रोश है, इसको इस बार हम लोग बैलेट का रूप में हम लोग ईवीएम का मशीन में भरने का काम करेंगे, और बीजेपी का सत्ता को उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे। बीजेपी कह रहा है कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवाद वाले लोग हैं जो अपने परिवार की ही बात करते हैं, और भ्रष्टाचार किए हैं तो जेल जाएंगे, तो फिर इसमें गुनाह क्या किया? देखिए उनका जो कहना है कि सभी भ्रष्टाचारी है, परंतु वो ये क्यों नहीं बोल रहा है कि जितने भ्रष्टाचारी जिसको ईडी का सीबीआई का वो ध्वज दिखा के वो अपने पार्टी में लेके आ रहे हैं, और उनको अपना वॉशिंग मशीन में उनको धो के साफ करने का काम करे, तो उनको जब विपक्ष में रहेंगे तो वो भ्रष्टाचार हो गया, जब उनके साथ बैठे उसमें भ्रष्टाचार क्यों नहीं हो रहे, क्यों उनको फिर उसको ईडी से पकड़वाने का काम नहीं कर रहे, सीबीआई से पकड़वाने का काम क्यों हो रहा, उनके पास जब जा रहा, चाहे वो गीता कोड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो नीतीश कुमार क्यों ना हो, और भी विभिन्न प्रदेशों का नेताओं का प्रति यही रवैया क्यों अपना रहे बीजेपी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना एक जो उनका उनको डराने का हथकंडा अपनाया है, और इसका हमारा भारत का जितने भी नागरिक है ये समझ गया है, और ये बीता जो हमारा एक दिन पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इसमें हमारा सभी प्रदेशों का लोगों ने उनको आईना दिखाने काम किया है, और 102 में जो सीट हो जो इलेक्शन हुआ है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ रहा है, और आने वाला जैसे विभिन्न चरण उतरते जाएगा ये फिर पिछड़ते जाएगा, और हम लोगों को विश्वास है भरोसा है कि आने वाला समय हमारा विपक्षी इंडिया गठबंधन का है, और मोदी को भी इसी प्रकार से गुजरना पड़ेगा, आज जो स्थिति से हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुजरना पड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल को गुजरना पड़ रहा है। तो बिल्कुल हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ वो
किस मकसद से आए थे और यहाँ जब वो अपने नेताओं को सुनकर लौट रहे हैं तो किस संकल्प के साथ लौट रहे हैं, आने वाले दिनों में वो क्या कदम उठाएंगे, किस सोच के साथ मतदान करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के इशारे पर साजिश के तहत जो है हमारे नेताओं को जेल के अंदर डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज वॉइस को रांची। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।